हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रशांत तोमर और आज जो हम आपको जगह दिखाने वाले हैं वो है राजस्थान की जैसलमेर सिटी, वो सिटी जो एक राजा रजवाड़ाओं की ज़मीन है और यहाँ पे कई मुग़लों ने और पाकिस्तानियों ने कब्जा करने की कोशिश की लेकिन वो उसकी सुंदरता को कभी बिखेर नहीं पाए। जैसलमेर में करने के लिए कई सारी एक्टिविटीज़ हैं जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। यहाँ पर हम डेजर्ट सफारी करेंगे और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने दिन की शुरुआत के साथ करेंगे और आपको घुमाएंगे अपने साथ पूरी जैसलमेर सिटी। तो बने रहिए आप वीडियो के एंड तक और देखते रहिए क्या क्या होने वाला है जैसलमेर में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी। तो हम शुरुआत करते हैं अपने दिन की और चलते हैं अपने डेजर्ट की तरफ जहां हमने कैंपिंग बुक कर रखी है। अभी मैं आ चुका हूँ बड़ा बाग जगह पे, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ा बाग है, ये इसका एंट्रेंस एरिया है। बाकी जब आप जैसलमेर से सैंड ड्यून्स की तरफ जाओगे तो रास्ते में ही पड़ेगा लगभग 5-7 किलोमीटर बाद, और अगर आप इंडियन हैं तो आपकी एंट्री फीस इसमें 100 रुपये होगी, अगर आप फॉरनर्स हैं तो उनके लिए 200 रुपये फ़ीस होगी। बाकी चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको ये बेहद खूबसूरत जगह कैसी दिखती है अंदर से। सैंड ड्यून्स का रास्ता जैसलमेर के बीच में पूरा 45 किलोमीटर का है। इस बीच में हमारे पास 3 मेन प्लेसेस पड़ते हैं, इसमें एक बड़ा बाग, अमर सागर और एक कुलधारा विलेज। तो अभी रास्ते में जाते जाते हम रुके हैं बड़ा बाग पे, जो एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत जगह है, आसपास ग्रीनरी से घिरी हुई और विंड मिल से घिरी हुई जगह है। मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। बाकी जो बड़ा बाग बनाया गया है यहाँ पर कुल 160 डॉम्स हैं, अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो तो ये छोटे छोटे डॉम्स बने हुए हैं। ये जो डॉम्स बनाए गए हैं एक्चुअली रॉयल फैमिली के मेंबर जो इस दुनिया में नहीं रहते, पूरे कायदे अनुसार रिचुअल्स फॉलो करने के बाद उनकी याद में ये स्मारक बना दिए जाते हैं। 45 नए स्मारक बनाए गए हैं। बाकी आपको भी दिखाते हैं ये जो जगह है, जो स्मारक बनाए गए हैं ये 16वीं सेंचुरी से बनने शुरू हुए थे, अभी तक कैसे लगते हैं बनने के बाद, उनके आसपास का जो एरिया है वो कितना खूबसूरत है। ये शायद आपको पता नहीं कैमरे में कितना क्लियर आ रहा होगा, लेकिन ये एक डॉम जो बना रखे हैं वो हर एक रॉयल फैमिली मेंबर के लिए बनाए गए हैं। जैसे ये है, ये है, ये सुनसान गांव में रात को 6 बजे आना सरकार ने मना कर रखा है, क्योंकि माना जाता है कि इस गांव में अभी भी कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कुछ भूतिया हरकतें होती हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये व्यू दिखाता हूं यहां पर, कि अगर आप देखोगे तो चारों तरफ बस बीहड़ ही बीहड़ नज़र आएगा आपको। इस बीहड़ के होने की यहाँ पर दो कहानियाँ हैं। एक कहानी ये मानी जाती है कि 200 साल पहले पाली से कुछ ब्राह्मण यहाँ पर रहने आए थे। यहाँ पर पहले कुल 85 गांव हुआ करते थे,
और कुलधरा उनमें से एक गांव था जो सबसे बड़ा गांव था। लेकिन 200 साल पहले सलीम सिंह यहाँ के जो राजा थे उनका दिल एक गांव की एक लड़की के ऊपर आ गया, जिसके बाद उन्होंने गांव वालों से प्रस्ताव रखा कि वो उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। लेकिन जाति वर्गों में अंतर होने के कारण गांव वालों ने मना कर दिया कि ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती थी, और गांव वालों ने फिर इस बात का विरोध किया और माना यह जाता है वो सभी लोग ये गांव छोड़ के चले गए। लेकिन उन लोगों को इस गांव से इतना प्रेम था आपने आवाज़ सुनी पीछे पीछे एक आवाज आई है, काफी सारे पत्थर एकदम से गिर गए हैं क्योंकि ये एक साइन है। तो जब गांव के लोगों ने विरोध किया और वो इस गांव को छोड़ के चले गए, लेकिन माना ये जाता है कि उनका जो मन था वो यहीं रह गया, क्योंकि आत्माएं आज भी यहाँ पे रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसके बाद कोई नहीं आया, काफ़ी लोगों ने यहाँ बसने की कोशिश की लेकिन कोई यहाँ पे नहीं रुक पाया। जो यहाँ आया उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ भूतिया हरकतें होती हैं, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पे नहीं रह पाए। और दूसरा ये माना जाता है, लोग ये बोलते हैं कि उस वक्त जो सलीम सिंह राजा थे उन्होंने लोगों के ऊपर इतना टैक्स बढ़ा दिया था कि वो यहाँ पे रह ही नहीं रहे, जिसके बाद ये पूरा वीरान हो गया। लेकिन इनमें से कौन सी कहानी सच्चाई है ये आज तक कोई नहीं जानता। तो आपको जो मानना है वो कहानी सच मान सकते हो, या आप नहीं मान सकते तो मत मानिए इस कहानी की सच्चाई। लेकिन आप इस जगह को देखिए, ये बेहद आज भी डरावनी लगती है, और इस डरावनेपन के कारण ही यहाँ पर कालो फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। मैं ज़्यादा अंदर तक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अंदर तक जाने की परमिशन है नहीं, तो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जो उन्होंने बना दी है। तो हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। एक कहानी ये भी है कि गवर्नमेंट ने ये 10-12 साल से अपने गांव 10-12 साल से गांव को अपने अंडर में लिया है, और यहाँ पे उन्होंने लोगों को बसाने की कोशिश भी की, लेकिन जो भी यहाँ आया सब ने यही बोला कि यहाँ पर भूतिया घटना होने के कारण वो नहीं रुकना चाहते हैं। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं बता सकता। अगर ये आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखोगे तो जिस हिसाब से पत्थर ये बने हुए थे, और लोग बताते हैं कि पाली के ब्राह्मण इतने होशियार थे कि जब उन्होंने अपना बसेरा यहाँ पे डाला तो जिस रेगिस्तान में खेती करना बहुत मुश्किल होता था, यहाँ भी उन्होंने अपना दिमाग लगा के और इस तरीके से घरों का निर्माण किया था, इस तरीके से सिंचाई करनी शुरू की कि यहाँ पर भी हरियाली देखी गई। इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर कितने पेड़ पौधे हैं। यहाँ अंदर आने के बाद आपको बिल्कुल मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे कितनी ठंडक है, आप मेरे माथे का पसीना देख सकते हैं और उससे अंदाजा लगाएंगे बाहर कितनी गर्मी है। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे सच में बहुत ठंडक महसूस हो रही है। तो इससे पता लगा सकते हैं कि जो पाली के ब्राह्मण थे वो कितने बुद्धिमान थे, किस तरह से अपना दिमाग लगाया था इस तरीके के घर बनाने के लिए कि जो बाहर बहुत गर्मी होने के बावजूद भी ठंडे रहते थे। अभी मैं सैम ड्यून जाने के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ, तो मैं बिना देरी के लिए निकलता हूँ क्योंकि मेरे दोनों दोस्त कार के पास पहुँच चुके हैं। हमारी शुरुआत हो चुकी है पहले कैमल सफारी से। अतुल के एक्सप्रेशन देखो, बहुत मजा आ रहा है, शुरू में बहुत डर लग रहा था, बहुत ऊंचा है भाई, मतलब लगा लो एक मंजिल पे बैठे हो, टांगे से उधर करके बहुत ऊंचा लग रहा है बैठने में, लेकिन ठीक है अब आदत पड़ गई है, थोड़ा दूर से होकर आए अभी। अभी सामने आप देखोगे तो ड्यून्स बने हुए हैं जहाँ पे जीप सफारी होगी। और ये आ गए हम डेजर्ट में, जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन था आज का, ये है सैम ड्यून्स। यहाँ पर देखो ये एक्टिविटीज हो रही है, जैसे ये है, तो यहाँ पर अभी आपने देखा था हमने यहाँ पे कैमल सफारी की, जीप सफारी की, तो यहाँ पे एक्टिविटीज करने के लिए कई है, कैमल सफारी है, जीप सफारी है, डर्ट स्कूटर भी चला सकते हो। और जैसे यहाँ पर वो आपको दिख रहा होगा, ये इसमें दो बंदे बैठ सकते हैं,
और एक पैराशूट हैंगिंग भी कर सकते हैं जो सामने हो रही है। ये सनसेट पॉइंट भी है, यहाँ से आप सनसेट देखोगे तो बड़ा अच्छा लगता है सनसेट। ये देखो ये देखो अतुल का पोज। यो बॉयज मजे आ गए, खतरनाक भाई, आना जरूर, जीप सफारी जरूर करना इतना पैसा लगे। हाथ देख रहे हो। वैसे इस डेजर्ट के कुछ फैक्ट्स ये हैं जो एक मान्यता मानी जाती है कि मरुस्थल क्यों बना। वैसे साइंटिफिक रीजन ये है कि यहाँ पे साइंटिस्ट मानते हैं कि पानी सूख गया सारा, इसलिए डेजर्ट बन गया। क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पे पानी दोबारा नहीं आ रहा है, तो ये साइंटिफिक रीजन है। लेकिन कुछ माइथोलॉजी फैक्ट्स भी हैं, मतलब फैक्ट्स तो नहीं बोल सकते माइथोलॉजी को, लेकिन माइथोलॉजी में ये माना जाता है कि जब श्री राम जी श्रीलंका गए थे सीता माता को बचाने के लिए, तो उस वक्त समुद्र देवता ने उनको रास्ता नहीं दिया था। और जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने अपना बाण निकाले था श्री राम जी ने समुद्र सुखाने के लिए, तो समुद्र ने बोला था कि मेरे अंदर रहने वाले सारे जीव मर जाएंगे, तो आप ये बाण कहीं और छोड़ दीजिए। अब क्योंकि उस बाण का संधान धनुष पे हो चुका था, तो श्री राम को वो बाण कहीं ना कहीं और छोड़ना था। तो वो बाण श्री राम ने जब छोड़ा था तो वो यहाँ पर आके गिरा था, जिसकी वजह से यहाँ का सारा पानी सूख गया था। क्योंकि समुद्र देव ने उन्हें बोला था कि यहाँ पे राक्षस हैं जो इस पानी को पिए जा रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे वो राक्षस भी मरे और यहाँ पर जो पानी था वो भी सूख गया। ये माइथोलॉजी फैक्ट माना जाता है। और एक थर्ड फैक्ट ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे सरस्वती माता जो हैं, जो सरस्वती नदी है, उनको श्राप मिला हुआ है कि वो इसके ऊपर नहीं बह सकती। तो ये भी मान्यता मानी जाती है कि सरस्वती नदी यहाँ बहती है लेकिन इसके नीचे से बहती है, तो उसके लिए साइंस भी मानता है कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तभी वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि नीचे शायद कोई नदी निकल जाए। बाकी ये माइथोलॉजी फैक्ट थे। एक फैक्ट ये है कि ये जो डेजर्ट है ये पूरा 2,00,000 स्क्वायर फीट किलोमीटर में बना हुआ है। ये मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट है। मोस्ट पॉपुलेटेड डेजर्ट का मतलब है कि यहाँ पे काफ़ी सारी आबादी रहती है एज़ कम्पेयर टू जो अदर डेजर्ट है, लोग वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा डेजर्ट है यहाँ पे लोग रहते हैं और अपना सर्वाइव भी करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। और एक फैक्ट और कि इस डेजर्ट का 85% इंडिया के पास है, बाकी 15% पाकिस्तान के पास में है। तो ये कुछ डेजर्ट के फैक्ट्स है। तो क्या अपडेट दे रहे थे हम, ये है सैम सैंड ड्यून्स और हम आए हैं अभी जीप सफारी मौत के पार होते हुए। ये है उसके निशान, दो चार कट कट की आवाजें भी आई थी बीच में, उतर के देखा तो सही सलामत, सही सलामत, सही सलामत, जाते हैं पता नहीं क्या होगा। मौत के मुंह से बाहर आए निकलकर, बस अभी हमारा दिल भाई ने क्या खुदाई थी। बाकी यहाँ पर अभी जो एक्टिविटी करनी थी वो हमने कर ली, कैसे करने के लिए तो बहुत एक्टिविटीज हैं पर अभी इतना टाइम नहीं है। यो गाइस, तो ये है सुबह सुबह डेजर्ट का नज़ारा, कैसा लगता है देखने पे। तो पहले दिन की सफारी और कैमल राइडिंग वगैरह, पहले दिन का एडवेंचर खत्म करने के बाद हम पहुँचे हैं वापस जैसलमेर सिटी में। और आज का दिन हम पूरा जैसलमेर की सिटी घूमेंगे, यानी जितना घूम पाएंगे। तो अभी हम अपने होटल की छत पे हैं, तो यहाँ से फोर्ट थोड़ा दूर है, तो देखते हैं कैसे ऑप्शन है फोर्ट तक जाने के। और आसपास कुछ एक लेक भी है शायद और एक पटवाओं की हवेली है, तो आज हम वो कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी ऊपर से होटल की छत से व्यू कैसा दिखता है मैं आपको वो दिखाता हूँ एक बार। ये फोर्ट है, एक बार मैं आपको यहाँ का होटल दिखा देता हूँ और हमारा रूम कैसा है, चलिए देखते हैं। वाह, ये एक बेड, ये दूसरा बेड,
वॉशरूम भी सही है। कुल मिला के रूम भी अच्छा ही बुक किया है अतुल ने। ये है जैसलमेर का किला जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये किले का नाम जैसलमेर इसलिए पड़ा क्योंकि ये राजा रावल जैसल देव जी के द्वारा बनवाया गया था 12th सेंचुरी में। इस किले में 12th सेंचुरी बाद 13th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी का कब्जा हो गया था जो 9 साल तक उसके पास रहा था। इस जैसलमेर को हम गोल्डन सिटी इसलिए भी बोलते हैं, अगर आप यहाँ के पत्थर देखोगे, ये पत्थर अपने आप नेचुरली गोल्डन कलर के होते हैं, तो इस गोल्डन कलर के पत्थर के कारण इसे गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। ये किला आकर्षण का केंद्र भी है, जैसे आप देख सकते हैं अपने नौजवान फोटो खिंचवाते हुए। भाई फोटो खिंचवाएंगे आए तो। अभी हम रानी के महल में, नहीं रानी के महल क्रॉस कर चुके हैं, अभी हम रानी के महल से बाहर जा रहे हैं, राजा के महल से निकले और सीधे रानी के महल में। देख रहे हैं इंटरकनेक्टेड था ये। बाकी आप लगा, बाकी अलग, बाकी महल अलग अलग लगा रखे हैं। किले में आगे की तरफ बढ़ते हुए ये भी किले का हिस्सा है जो राजा लोग अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया करते थे, जिसे आप लोग जानते ही होंगे। कैनन तो बोला नहीं है तो चला के दिखा दो। ये हमारे सामने किला और ये किले से पूरी जैसलमेर सिटी का बर्ड आई व्यू। इसके बाद हम चलते हैं गडसरी लेक पर, जो एक राजा के द्वारा, उनके आगे के जो वंशज से उनके द्वारा बनवाई गई थी गडसरी लेक, क्योंकि यहाँ पे पानी का कोई स्रोत नहीं था तो इसलिए लोगों को पानी का स्रोत मुहैया करवाने के लिए ये गडसरी लेक बनवाई गई थी। तो हमारी अगली मंजिल जो की होगी गडसरी लेक। क्या करे आप? अभी हम जैसलमेर फोर्ट से घूम कर आए थे, वहाँ से जब आप थोड़ी दूर वॉकिंग करके आओगे तो वॉकिंग से आपका डिस्टेंस पड़ेगा तकरीबन 500 मीटर। आप ऐसे शेयरिंग ऑटोग्राफ भी कुछ करके आ सकते हो, लेकिन चलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और शेयरिंग करके आओगे, शेयरिंग ऑटो करके आओगे तो भी उतना टाइम लगेगा, तो इसलिए हम वॉकिंग करके ही आ गए। अभी हैं हम गडीसर लेक के बीचों बीच में बोटिंग कर रहे हैं। आप मेरे आसपास जो झील देख रहे हैं इसका नाम है गडीसर। तो गडीसर लेक जो है वो जिस राजा ने जैसलमेर फोर्ट बनवाया था, यानी महाराजा रावल जैसल ने जो फोर्ट बनवाया था, उन्होंने ही इस लेक का निर्माण भी किया था। जैसलमेर में कोई पानी का स्रोत था नहीं तो इसलिए उन्होंने ये लेक का निर्माण करवाया, और आज ये लेक टूरिज्म का एक पॉइंट है। आप देख सकते हो इसकी सुंदरता कितनी अच्छी है। सनसेट का व्यू मिल रहा है। ये हमारी बोट, लाइफ जैकेट हमने उतार रखी है, और ये हमारी बोटिंग हो रही है। यो लाइफ जैकेट हमने इसलिए उतार रखी है, इनकी जैकेट कुछ फायदा है नहीं, ना इसमें चेन है ना इसमें बकल है। देखो जाना है तो जाना है, आना है तो आना है, तो इसलिए अपने रिस्क पर हम आए। बट जो इसका एरिया है वो काफी वाइड है, मतलब जो लेक का जहाँ पे पानी है काफी, मतलब आप घूमना चाहो घूम सकते हो। बोट का आवर हाफ एन आवर से लेके 1 आवर तक है, प्राइस भी मिनिमल है, हमने जो लिया है फॉर हाफ एन आवर फॉर 200 फॉर टू पीपल्स, ऐसे अकॉर्डिंगली बढ़ता चला जाता है जितने आपके पास 4, 6, 10 सीटर बोट तक अवेलेबल है। और इवनिंग है तो आप देख लो थोड़ी देर में सनसेट होगा, तो अगर हम सही जगह पे हुए तो आपको सनसेट भी दिख जाएगा। ये अगर आप देखोगे तो पूरी ट्रीज की एक बेल्ट सी बनी हुई है इसके लेक के चारों तरफ। तो ठीक है, देखते हैं अगला पॉइंट हमारा क्या होगा। इसके बाद यहाँ पर एक शायद फाउंटेन शो भी होता है जो हमें एग्जैक्टली भी मालूम नहीं है, हम यहाँ बोर्ड से उतरने के बाद फिर देखेंगे फाउंटेन शो। इसके बोर्ड से नीचे उतरने के बाद हम देखेंगे अगर फाउंटेन शो होगा तो उसको भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा। वैसे हम दोनों को ट्रेन बोट ड्राइवर का सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए, लाइसेंस मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम हैंडलिंग सही कर पा रहे हैं। मतलब पैडलिंग मारने में इतना जोर नहीं लग रहा है, अब या तो विंड की डायरेक्शन हमारे डायरेक्शन में ही है इसलिए, लेकिन जितनी जगह हमने वोटिंग करी उसके हिसाब से बड़ी स्मूथ चल रही है।
इंजन जो है, हाँ करारी का इंजन लगा इसमें। तो दोस्तों हमारी बोटिंग की सवारी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। हमारा जो टाइम था वो पूरा हो चुका है, अब हम जा रहे हैं अपने वापस जहाँ पे हमें बोट पार्क करवानी पड़ेगी। तो ये पॉइंट है, अगर आप देख पा रहे होगे, जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहीं पर आपको लाइफ जैकेट मिलेगी, यहीं पर आपको टिकट मिलेगी। जब आप टिकट दे के लाइफ जैकेट पहनोगे तभी आपको बोट में एंट्री दी जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं। सिर पर केसर या पांच सज गए, भव्य ललाटों पर रक्त चंदन के तिलक लगाकर कंगन बजाती हुई वीरांगनाओं ने अपने वीरों को प्रणाम कर उनसे अंतिम विदा ली। आज भी यहां यदुवंशी भाइयों के वैभव और राजस्थान की उत्कृष्ट वास्तुकला के भव्य स्वरूप देखे जा सकते हैं। तो आज हमारी 3 दिन की जर्नी पूरी होती है। अब जो लास्ट प्लेस घूमने के लिए रह गया वो है पटवाओं की हवेली। इसके बाद हमारी सीधी मंजिल होगी हमारा घर यानी दिल्ली। एयरफोर्स म्यूजियम भी है जहाँ पे रखे हुए पाकिस्तान के टैंक। अच्छा हाँ, अभी एक म्यूजियम भी घूमने जाना जो वॉर म्यूजियम है, जहाँ जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो उसमें जो वेपन्स यूज हुए थे, जो टैंक यूज हुए थे वो। तो ये दो प्लेस मोस्टली आज हम घूमेंगे। फिर उसके बाद करेंगे शॉपिंग खूब सारी। हाँ शॉपिंग, क्योंकि कहीं पे जाओ तो उनकी यादें साथ में होना बहुत जरूरी है। तो जैसा जैसा होगा मिलते चलेंगे, लेकिन अभी फिलहाल होटल से बाय। Thank you.
हमारा विजिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी हम जाएंगे सोवेनिर शॉप में, वहाँ से कुछ रिलेटिव सोवेनिर्स लेंगे। उसके बाद वो आपको कैफे एरिया दिख रहा है वहाँ पे, वहाँ पे जाके हम अपने पेट के लिए सोवेनिर्स लेंगे। उसके बाद वी विल हेड बैक टू आवर सिटी, गेट आवर बैकपैक्स एंड देन हेड टुवर्ड्स द टेल। तो अभी हम यहाँ से होटल पे जाएंगे, क्योंकि चेकआउट आ सकता था पर बैग हमने वहीं रख दिए थे। तो यहाँ से पहले हम होटल जाएंगे, बैग उठा के सीधा रेलवे स्टेशन, वहाँ से अपने घर। तो कह सकते हैं यानी आज के दिन का जो भी ट्रिप था वो हमने सारा कंप्लीट कर लिया, और जो हमारा जैसलमेर का टूर था वो हमें बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हम जैसलमेर से अलविदा लेंगे और दिल्ली पहुँचेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक बाय।